छोड़िए। क्या छोड़े? तुम अकेले मायूस होना छोड़िए। ठीक, हम दोनों मिलके मायूस होते हैं। आप वहां बैठ के मायूस होइए, हम यहाँ बैठ के मायूस। ठीक है, छोड़िए। अरे उरुशी, सबसे पहले तुम गोल गोल घूमना छोड़ो। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी चरके से या झूले से बात कर रहे हैं। अब तो हमें चक्कर आने लगा है। नहीं, हम ऐसा करना नहीं छोड़ सकते। पंडित जी ने कहा कि अगर हम ऐसा करते रहे ना, तो जो हमें पसंद है वो हमारे पास आ जाएगा। और देखिए, आप आ गए ना हमारे पास पूरे 10 साल के लिए। रुको, तुम भी उस कपटी पंडित की बातों में आ गए। अरे उर्वशी, समझने की कोशिश करो, ये सब एक जाल है जो बलदेव और पंडित जी ने फैलाया है, ताकि हम जापाना से दूर हो जाए और वो जापाना का फायदा उठा सके। पता नहीं राजमहल में उस पंडित ने सबका क्या हाल कर रखा होगा। ओहो, अनिता भाई, क्या कर रही हैं आप? कबर खोद रहे जापाना। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बीज डाले हैं इसमें। ओहो, तुलसी का पौधा उगा रही हैं आप? नहीं नहीं, पीपल का पेड़। अच्छा, पीपल का पेड़ उगा रही हैं, वो भी हमारे कमरे में, क्यों? ओहो जापाना, आप भूल गए, पंडित जी ने कहा कि घर की सुख शांति के लिए सुबह ही उठते उठते आँख खुलते ही जाके कुएं में से पानी निकालो और पीपल के पेड़ में चढ़ा दो। अब कुएं में से पानी निकालो, सुबह सुबह कौन जाएगा पीपल के पेड़ में पानी डालने? तो हमने सोचा कि पीपल का पेड़ यहीं उगा देते हैं। ओहो, फिर तो उन्होंने ये भी कहा है कि पानी कुएं से निकालना है। अब कुआं भी बहुत दूर है, तो आप तो यहाँ पर हमारे कमरे के बीचों बीच कुआं भी बनवा देंगी। अरे वाह जापाना, क्या ख्याल है आपका। वाह रानी साहिबा, रानी साहिबा, ये रहा कुएं का ताजा ताजा पानी। रख दो रख दो, तुम जाकर मजदूरों को बुलाकर लाओ, यहाँ कुआं खुदवाना है। जी बहुत अच्छा। ए, ओ, 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 क्या बहुत अच्छा, किसी को नहीं लेकर आना, कोई मजदूर नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं खुदवाना है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। तो उनको क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं जाइए तो जाइए। रानी साहिबा, ये क्या लगा रखा है आपने? ये हमारा कमरा है, कोई बाग नहीं है जहाँ पेड़ पौधे उगेंगे। और वैसे भी इतने से गमले के अंदर आप कैसे पीपल का पेड़ उगा देंगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे मायके में तो लोग इतने गमले में पूरा बगीचा बना देते थे। एक अजायब घर बनाना चाहिए जिसमें आपके सारे मायके वालों को रखना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आके उन्हें देखेंगे, हमारा शाही खजाना भी बढ़ जाएगा। हमारे मायके वाले ने आपका क्या बिगाड़ा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो उनके बारे में? क्या हो गया? अम्मी जान, आज भी हम 32 दांत वाले कुत्ते को रोटी खिलाने गए थे, लेकिन जब भी हम कुत्ते के दांत गिनने जाते हैं, उससे पहले ही वो कुत्ता हमारी उंगलियां गिन लेता है। ये देखिए अम्मी जान, उन जंगली कुत्तों के मुंह हमारा शाही खून लग गया है। ना 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 ना, ना। अब हम उन जंगली कुत्तों को कभी रोटियां नहीं खिलाएंगे। लेकिन अम्मी जान, वो जंगली कुत्ते हमारे फौलादी शरीर की बोटी बोटी करने पर तुले हुए हैं। ये देखिए, अभी भी महल के बाहर खड़े होके हमें धमकी दे रहे हैं। नहीं साहिबा, हमने तो सुना था कि हमारे महल के बाहर के जितने कुत्ते हैं वो काफी शाही शौक रखते हैं, शाही बोटियां खाते हैं, इसके पीछे कैसे पड़ गए वो? जापाना! नहीं, आप एक बार बाहर जाइए रानी साहिबा, भर भर के गोश्त मिलेगा उन्हें। ये क्या बनकर आए हैं आप? ओ ये, मुझे पता है फूफू, मुझे पंडित जी ने कहा है कि अगर मैं अपने कान के कुंडल अपनी नाक में, अपने गले का हार अपने कान में पहनूंगा तो बस मेरे सारे काम बन जाएंगे। और तो और फूफू, मेरी अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी हो जाएगी, इसीलिए तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ। दिमाग, आपका ये कमर का पट्टा आप अपनी आंखों में क्यों नहीं पहन लेते? ओ ये तो पंडित जी से पूछना। फूफू, आपको पिताजी और पंडित जी ने दीवाने खास में बुलाया, चलिए। तो पहले बताना चाहिए था ना, चलिए। Ha 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 ha
तशरीफ रखिए। बताइए पंडित जी, आपने हमें कैसे याद किया? जहां पना, कल रात हम ठीक से सो नहीं पाए, दिशा बदल कर। बलदेव, मेहमान खाने के गद्दों में अब तक खटमल है, आपने देखा तक नहीं? अरे नहीं नहीं जापना, खटमलों की वजह से नहीं। तो फिर किस चीज ने आपकी नींद उड़ा दी पंडित जी? आपकी कुंडली ने। जापना, आपकी कुंडली में विचित्र योग है, जैसे आपकी कुंडली नहीं कोई रोग है, दिशा बदल कर। पंडित जी आप जरा साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या हमारी जान को खतरा है? जापना, आपको केतु से खतरा है, वो उत्तर दिशा से आप पर हमला कर रहा है, दिशा बदल। यहाँ नहीं है पंडित जी, उत्तर दिशा में तो हमारे राज्य का द्वार है। जहां पना, इसलिए उचित होगा कि उत्तरी दिशा का द्वार बंद करवाकर दक्षिण दिशा में द्वार बनवा दिया जाए, इससे आपको मुनाफा होगा। ये बात आप कह रहे हैं वजीर आजम? आपको तो पता है कि हमारे व्यापार का आयात निर्यात सब कुछ हमारी उत्तर दिशा से ही होता है। अगर हमने द्वार बदल दिया तो हमारा सारा व्यापार तहस नहस हो जाएगा। दुश्मन भी उत्तर दिशा से आएगा जहां पना, और वो व्यापार ही क्या जो आपकी जान को जोखिम में डाल दे। और रहा सवाल मुनाफे का, तो उसका हल भी हमने निकाल लिया है, दिशा बदल कर। जहां पना, पंडित जी का कहना है कि आपका भाग्यशाली अंक 9, इसलिए राज्य का आयात निर्यात का कर 3% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाए, जिससे आपको काफी मुनाफा होगा जापना। कर को बढ़ाकर 9 कर दिया जाए, ये तो हमारे राज्य के लोगों के साथ ज्यादती है वजीर आजम। मगर इसी में राज्य की भलाई है, 9 अंक का आप अपने जीवन में जितना उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जैसे आप खाने में 9 रोटियां खाइए, गले में 9-9 मोतियों की माला पहने, और जहां पना, आने वाले 9वें महीने में 9वें दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, दिशा बदल कर। अरे पंडित जी, शुभ समाचार तो प्राप्त होगा, लेकिन रानी साहिबा को भी मानना चाहिए ना। जहां पना, हम उस शुभ समाचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज के शुभ समाचार की बात कर रहे हैं। दुश्मन की हार का संदेशा प्राप्त होगा, दिशा बदल गई। ठीक है, अब आप दोनों को अगर यही सही लगता है तो हम जल्द ही इस चीज का ऐलान कर देंगे। वैसे भी अब इस दीवाने खास में सलाह मशवरा करने के लिए कोई दूसरा बचा भी तो नहीं है। शाही खून है हम आपको मशवरा देते हैं बॉस। वैसे भी हम बहुत ही उदार और फराक दिल इंसान है। जैसे पंडित जी ने कहा है कि आपका भाग्यशाली अंक 9 है, तो अब से आप रोज सुबह उठ के 9000 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और 9000 दंड पेलेंगे। उसके बाद आप इतने बलशाली हो जाएंगे कि आपकी जान को किसी से खतरा नहीं है अब्बा हुजूर, बल्कि औरों को खतरा होगा आपसे। मुफ्त की सलाह है अब्बा हुजूर, ले लीजिए। एक और बार अगर आपने हमें सलाह देने की कोशिश की तो हम आपको कैदखाने में डाल देंगे 9000 सालों के लिए, और आपको 9000 कोड़े पड़ेंगे। पंडित जी, हमें तो लगता है कि हमारे जीवन में अगर कोई राहु केतु हैं तो ये दोनों हैं, ये और ये। इन दोनों की वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है, वरना हम कहां से कहां पहुंच गए होते। नहीं जहां पना, वासु तो आपके लिए शुभ है, उसी की वजह से ये तख्त टिका हुआ है। वासु है तो वास्तु है। सच? हे हे वासु, यहां यहां आओ वासु, यहां। वाह वासु, वाह वाह वाह, मुझे पता है कि आप ही हैं इस तख्त के सच्चे वारिस। दिमाग। जहां पना, जनता दरबार में काफी फरियादी आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। हमारा नहीं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, आइए।
आइए आइए। रोक जाइए, आप लोगों की फरियाद हम बाद में सुनेंगे, पहले हम कुछ ऐलान करना चाहते। अरे नहीं 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 बुबू, वो सब बाद में। अरे नहीं नहीं वासु, उसका ऐलान भी करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हम कुछ और ऐलान करने जा रहे हैं। हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे राज्य का जो 3% कर है वो अब नहीं रहेगा। जापना की जय, जापना की जय। रुके रुके रुके, पूरी बात सुन लीजिए। 3% का कर नहीं रहेगा, उसे बढ़ाकर उसे 9% कर दिया जाएगा। अब हमारा दूसरा ऐलान सुनिए। अरे नहीं 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 बुबू, वो सब बाद में ना, रहने दीजिए। अरे नहीं वासु, वो भी अभी आपके बारे में नहीं है, वो वाला ऐलान बाद में होगा, किसी और दिन है। हमारा दूसरा ऐलान ये है कि हमारे राज्य का मुख्य द्वार जो उत्तर दिशा में है, उसे उत्तर दिशा से बंद करके दक्षिण दिशा में खोल दिया जाएगा। दया कीजिए जहांपना, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, सारी फसल बर्बाद हो गई है, हम इतना सारा कर कैसे चुकाएंगे? दक्षिण दिशा की ओर तो जंगल है जहांपना, जंगल में बैठकर व्यापार कैसे करेंगे, कौन आएगा वहां? क्या आपकी बात गलत तो नहीं है जहांपना? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आपकी जान को खतरा है, पहले हमें उसे दूर करना होगा दिशा बदल कर। हम जो कह रहे हैं वो आप लोगों को मानना होगा। पंडित जी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, और इनका कहना है कि हमारी जान को खतरा है और ये खतरा उत्तर दिशा से ही आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। अरे ये सब क्या हो रहा है, जनता पर कर 3 गुना कर दिया, राज्य का उत्तरी द्वार बंद करवा दिया, ये जापना जनता के साथ करना क्या चाहते हैं? एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, जहाँ चाहे कूद जाओ होगी कठिनाई। अगर कल उस पंडित ने कह दिया कि दिल्ली का वास्तु ठीक नहीं, तो दिल्ली को ले जाके क्या हिमालय में बसेंगे? राजा बीरबल, राजा बीरबल, पंडित जी ने जहाँ पना से नया ऐलान करवाया है। अब क्या करवाया है? राजा बीरबल, बलदेव जी आपकी जगह लेंगे और जनता दरबार में जहाँ पना साल में सिर्फ 1 बार प्रजा से मिलेंगे, साल के 6 महीने रानी साहिबा के मायके में रहेंगे, क्योंकि वहाँ की दिशा उनके लिए बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक बताई जा रही है, मुगल सल्तनत को वहीं बैठे बैठे चलाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, हम जानते हैं ये सब उस पंडित के जरिए बलदेव जी करवाए, मगर जहाँ पना को सच बताए कैसे, उन्हें नींद से जगाए कैसे? जहाँ पना को नींद से जगाने के लिए पहले उस पंडित को गहरी नींद में सुलाना होगा। मतलब? हम बताते हैं, पास आइए। आप सब पास आइए, सबको बताना है। देहो कानसेन जी, ये भी कोई मौका है रागे अलापने का, चलिए उठाते हैं इनको। ओहो, हमारे प्रिय आगरा के पेठे हमारे लिए। लेकिन आप आगरा कब गई? नहीं नहीं, हम नहीं गए थे जापना, हमारी मौसी ने भिजवाए खास आपके लिए। शुक्रिया मौसी जी। जापना, मौसी मरी नहीं है, आगरा में है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आगरा में। शुक्रिया मौसी जी, आगरा आगरा। वाह वाह वाह,
देखो ना कहीं पीछे, इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गए? उर्वशी तुमने पेटों में बेहोशी की दवाई कुछ ज्यादा तो नहीं मिला दी? अगर वक्त पे जापना होश में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। छोड़िए। क्या छोड़े? यूं बातें बनाना छोड़िए और इन्हें दिखाने ले चलिए, वो पंडित जी भी वहां पहुंचते होंगे। हाँ। अरे उठाइए उठाइए, आराम आराम से उठाइए। पंडित जी उठिए। अरे पंडित जी, हम हमारे इस महल के तहखाने में कैसे आ गए और ये हमारी दशा किसने की? हम आपको बताते हैं, हम राजा तलवार के सैनिक हैं और आपको हमने बंदी बना लिया है। अरे लेकिन राजा तलवार सिंह के साथ तो हमारी सुलह हो गई थी। वो एक चाल थी। आप लोग यहाँ पर आए कैसे? चलकर, दौड़कर। दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा से? पंडित जी आपने तो हमसे कहा था कि हमारे दुश्मन उत्तर दिशा से आएंगे, ये दक्षिण से कैसे आ गए? वो मैं जापना, लगता है दिशा पलट गई, दिशा बदल कर। तो ये पंडित ज्योतिष बताता है। हे पंडित, अब बता आगे तेरे साथ क्या होने वाला है? पहले तू मरेगा या ये तू या ये, बता। देखिए देखिए, आपकी दुश्मनी जो है जापना से है, हमें जाने दीजिए, हम चले जाते हैं दिशा बदल कर। पंडित, वाह वाह बादशाह अकबर, वाह, कैसे वफादार पाले हैं आपने, वाह। ए पंडित, अब तू अपना भविष्य बता। देखिए, हम बहुत साधारण इंसान हैं, लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हैं। अगर हम जो बात कहें वो सही हो जाए तो हमारी भविष्यवाणी सही है, और अगर नहीं हुई तो भी हम दोष दूसरे पर डाल देते हैं कि हमारे कहे के अनुसार नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, दिशा बदल कर। यानी कि अब तक आप जो भविष्यवाणी कर रहे थे वो बस आप तुक्के लगा रहे थे। पंडित, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जापना, हम ये सब बलदेव जी के कहने पर कह रहे थे। ओहो, तो ये सारा षड्यंत्र बलदेव का है, और उनके कहने पर, उनके क्या आपके कहने पर, हमने बीरबल को भी यहां से निकाल दिया। काश हमने बीरबल की बात पहले मान ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। बीरबल कहां होंगे, कैसे होंगे? जापना, हम यहां हैं। कहां? जापना, हम यहां हैं। अरे बीरबल, आपको शर्म नहीं आई? बीरबल, आप दुश्मनों के साथ मिल गए। दुश्मन? अरे नकाब उतर। अरे तुम लोग। हाँ, बस बस, बहुत हुआ। बीरबल, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि हम आपको देखकर कितने खुश हैं। जापना, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको ये बताना चाहते थे कि ये पंडित पाखंडी है। बस इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों से बनता है, ना ही कुंडली या ग्रह से। आपने इस पर भरोसा किया और हमारी प्रजा तकलीफ में आ गई, इसीलिए हमें ये सब, इसीलिए आपको ये सब करना पड़ा। हम जानते थे बीरबल, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमारे राज्य का भविष्य आप हैं बीरबल, आप, और आपका भविष्य अब कैद खाने में है, और हमारे कैद खाने का द्वार भी उत्तर में खुलता है। बीरबल, बस दुख की बात यह है कि अब हम अभी आपको गले नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमारे हाथ अभी तक खोले नहीं है। ओ, माफ कीजिए,
अच्छा बना। आइए बीरबल आइए, हमारे गले लग जाइए। हमें आप पर नाज है बीरबल।